दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच अब 50-50 की पोजीशन पर आ गया है। जी हां, तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया ने 175 रन की लीड ले ली है और अभी भी उनके पास 6 विकेट बाकी हैं। अगर टीम इंडिया 75 रन तक, जी हां 250 रन के टारगेट से पहले ऑस्ट्रेलिया को रोक लेती है तो शायद टीम इंडिया इस मैच को जीत जाए, नहीं तो टीम इंडिया के लिए चौथी पारी में लक्ष्य को पार करना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि जब भारतीय टीम ने आज खेल शुरू किया तो अजिंक्य रहाणे जल्दी चलते बने, लेकिन कप्तान विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया 283 तक पहुंचने में सफल रही और ऑस्ट्रेलिया को 43 रनों की बढ़त मिली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का आगाज तो शानदार रहा, लेकिन बाद में भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया। ऐसा लग रहा था कि हर गेंद पर विकेट मिलेगा। जसप्रीत बुमराह की गेंदें तो ऐसे लग रही थीं कि कहीं ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को कोई गेंद लग ना जाए और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, और मोहम्मद शमी ने तो एरन फिंच की उंगली तक तोड़ डाली। वहीं ईशान शर्मा और उमेश यादव ने भी तेजी दिखाई। इन चारों गेंदबाजों की गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 132 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाकी 6 विकेट टीम इंडिया के ये तेज गेंदबाज कितनी जल्दी कर ले पाएंगे। अगर जल्दी से जल्दी ले लेते हैं तो शायद इस मैच को टीम इंडिया जीत भी जाए, लेकिन अगर चौथी पारी के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय टीमों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सारा दारोमदार कप्तान विराट कोहली पर होगा। उम्मीद करी जाएगी कि वो पिछली पारी की तरह इस पारी में भी शतक जड़कर टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 टेस्ट मैच जीत कर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लें। ऐसा कोई सा भी कप्तान नहीं है जिसने ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 टेस्ट मैच जीते हों। अगर आपको भी भारत के इस गेंदबाजों की उगलती हुई गेंदें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिससे कि कल जब आप उठें तो टीम इंडिया जीत के मुहाने पर हो।